यार अपने टियागो ICNG की हालत देखो यार, टाटा की कार लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने, पूरा मूड ऑफ हो गया। थर्ड सर्विस में गाड़ी की ये हालत कर दी गई है, देख रहे हो आप, पूरा डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ खोल दिया गया है अपनी कार का, सारे दरवाजे भी उतार दिए गए हैं, थर्ड सर्विस में ये हालत है सिर्फ एक छोटे से फॉल्ट की वजह से। तो उसमें से एक ने मुझसे ये भी पूछ लिया कि भैया आप टैक्सी में तो गाड़ी नहीं चलाते हैं, बड़ा ऑकवर्ड लगा यार, मेरा मूड खराब हो गया। मतलब फिर भाई गाड़ी अपनी हम चाहे जितना चलाए, 17,000 चलाए, 20,000 चलाए, यार ये थोड़ी कोई बात करने का तरीका हो। अब समझ में आ रहा है लोग टाटा की सर्विस को खराब क्यों बोलते हैं भाई, अब थोड़ा सा मुझे भी रियलाइज हो रहा है हल्का सा कि तमीज नहीं है बात करने की। फिलहाल भाई अपने उसके एयर फिल्टर को कवर को खोल रहे हैं, उसके बाद एयर फिल्टर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए स्टार्ट हो गया निकलना, ये बाल्टी लगा दी, अब निकल जाएगा सारा इंजन ऑयल इसका। टू बी ऑनेस्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था जितना मेरी पहले की दो सर्विसेज में था, लेकिन कुछ एम्प्लॉयज काफी रूडली बात कर रहे थे। तो इसकी तीसरी सर्विस का बिल आया हुआ था। हेलो एवरीवन, मैं निखिल शुक्ला। तो यार आज हम जा रहे हैं अपनी टियागो की थर्ड सर्विस करवाने। ये गाड़ी 16,957 किलोमीटर चल गई है, वैसे तो 14,000 से 15,000 के बीच में करवा लेनी चाहिए, पर मेरे पास टाइम नहीं था तो इसलिए थोड़ा सा लेट हो गया, जिसके चक्कर में मुझे आज ले जा रहा हूँ मैं इसकी सर्विस करवाने। तो वीडियो में आप आगे बने रहो, कितना खर्चा आया सर्विस का, इसकी थर्ड सर्विस की, यही पहले इसकी पेड सर्विस ऐसे कुछ है, इसमें कितना खर्चा आया, इंजन ऑयल वगैरह सब कुछ चेंज होगा इसकी सर्विस में, सारी चीज़ें कितना खर्चा आ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, वीडियो में बने रहो, सारी एक एक जानकारी मैं आपको दूंगा। तो चलिए अब चलते हैं सर्विस सेंटर की तरफ। तो यार आ गए हम लोग सर्विस सेंटर पे और काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, देखो पहले टिगोर और ये नेक्सॉन दिखने लग गई हैं। तो अब देखते हैं, अंदर चलते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगता है, क्या है सब कुछ, देखते हैं, अंदर चलते हैं पहले। तो यार कार अपनी हम लोगों ने पार्क कर दी है और अब चलते हैं अपना सर्विस सेंटर के अंदर और जॉब कार्ड बनवा लेते हैं। ओनर्स मैनुअल मैंने ले लिया है और अपना एस्टिमेट वगैरह पूछ लेते हैं, कितना क्या टाइम लगेगा सब पूछ लेते हैं। शोरूम से सर्विस सेंटर से बाहर आ गए हैं और एस्टिमेट तैयार कर दिया उन लोगों ने अपनी गाड़ी की तरफ, हम लोग बढ़ रहे हैं, हम थोड़ा सामान वगैरह निकाल लें, एस्टिमेट तैयार कर दिया, लमसम 4,500 से 5,000 का एस्टिमेट कह रहे हैं वो लोग। तो सारा जरूरी सामान डैशबोर्ड वगैरह में, तो ये सब ऐसे फालतू के सामान है तो इसको थोड़ा बहुत पड़ा भी रहना, पीछे भी मेरे पास और सारा सामान है नहीं। और एक बड़ा अजीब सा इंसिडेंस अभी हो गया, मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली मेरी गाड़ी चल चुकी है 17,009 किलोमीटर, मतलब काफी ज्यादा चल चुकी है। तो उसने मुझसे एक बड़ा अजीब सवाल पूछा, सब वहां पे चौंक रहे, 17,000 चल गई, सब सर्विस सेंटर वाले, फरवरी की गाड़ी है 17,000 चल गई, फरवरी की गाड़ी इतनी ज्यादा कैसे चल सकती है आपकी, ये वो दुनिया भर की बातें कर रहे हैं। तो उसमें से एक ने मुझसे ये भी पूछ लिया कि भैया आप टैक्सी में तो गाड़ी नहीं चलाते हैं, बड़ा ऑकवर्ड लगा यार, मेरा मूड खराब हो गया पूरा। तो मैंने कहा यार भाई टैक्सी में चलाने के लिए गाड़ी थोड़ी खरीदी है, कहा नहीं इतनी ज्यादा चल गई है गाड़ी। तो मैंने कहा भाई लोग ले लेते हैं, चला नहीं पाते, उसमें मैं क्या करूं यार, ये लेकिन कोई तरीका नहीं होता है पूछने का, सीधे सीधे सब लोग मेरा मुंह देखने लग गए थे वहां पे कि टैक्सी में चलाते हो क्या आप गाड़ी। तो यार ये बड़ा अजीब लगा, लेकिन चलो कोई नहीं, अब ये चल चुकी है, अब फिलहाल कार्ड को चाबी देनी है और अब हम लोग जा रहे हैं अंदर सर्विस करवाने। और ये हमारे आशीष भाई आ गए, यार पूरा मूड थोड़ा डिस्टर्ब सा हो गया। आशीष भाई तू बता यार, ऐसे पूछना चाहिए उनको? अरे यार पूछ रहे थे तो उसमें क्या कर सकते हैं, 17,000 गाड़ी चल गई तो मतलब आपने टैक्सी में गाड़ी चलाई है, ये कोई तरीका नहीं होता है। लेकिन भाई ये मतलब अब फॉर्च्यूनर वाले तो भाई एक एक साल में 50,000 चला देते हैं, वो टैक्सी में चलाते हैं इसका मतलब। फिर भाई गाड़ी अपनी हम चाहे जितना चलाए, 17,000 चलाए, 20,000 चलाए, यार ये थोड़ी कोई बात करने का तरीका होता है। अब समझ में आ रहा है लोग टाटा की सर्विस को खराब क्यों बोलते हैं भाई, अब थोड़ा सा मुझे भी रियलाइज हो रहा है हल्का सा कि तमीज नहीं है बात करने की। तू बता भाई क्या कर सकते हैं भाई, जिसकी सर्विस जैसी वहाँ पे सब मुंह देखने लग गए थे हम लोगों का, वो तो मूड इतना तेज खराब हुआ था ना। लेकिन चलो जाने दो, चलो ठीक है यार, आपसे बड़े थे बड़े तो थे यार, रिस्पेक्ट करो सबकी। चलो अब इसको चाबी गार्ड को दे देते हैं इस कार की और फिर आराम से बैठते हैं वेटिंग हॉल में और अपना सर्विस सेंटर में घूमते घूमते हैं। तो चलो इसको चाबी दे देते हैं, फिर आगे का आपको अपडेट करते हैं। तो यार चाबी वगैरह हमने गार्ड को दे दी और अभी हम लोग लगभग 2 घंटे से ऊपर हो गए हम लोग वेटिंग हॉल में बैठे हुए हैं, बोर हो रहे हैं और अभी तक हमारी कार सर्विस के लिए लगाई भी नहीं गई है, काफ़ी देर हो गई है। उन्होंने कहा था 4 बजे तक गाड़ी दे देंगे आपको, 2 तो वैसे ही बज गए। और ये देख लो आप, बड़ा सा टीवी लगा हुआ है, ऐसे सिंपल सा है। तो ये टाटा मोटर्स अलाहाबाद का वेटिंग हॉल है, देख लो किस तरीके का है। तो यार अभी तक हमारी कार सर्विस करवाई गई नहीं है और अब वो लोग बोल रहे हैं कि अपना जाओ अंदर, वो जो सामने स्पेयर्स लिखा हुआ है उसमें जाओ और स्पेयर वाले में जा करके अपना पूछो, जब सामने स्पेयर देख ही पा रहे हो गए आप लोग, उसमें जाना है। तो यार यहाँ हम लोग आए हुए थे और अब देखो गाड़ियाँ भाई साहब कितनी भयानक भयानक यहाँ पे खड़ी हैं, सब एक्सीडेंटल गाड़ियाँ हैं। फिलहाल 3 घंटे से खड़े हैं हम लोग और अभी तक अपना नंबर नहीं आया। तो यार अपनी गाड़ी अंदर जा चुकी है, अब हम लोग जा रहे हैं उसके पास। अभी हम लोग वेटिंग हॉल में बैठ गए थे तो हमने देखा नहीं वो कब चली गई, तो अंदर है फिलहाल, सर्विसिंग के लिए गई, वहीं जा रहे हैं।
आ गए अब हम लोग अंदर, अब पता नहीं कहाँ लगी अपनी गाड़ी, ढूंढनी पड़ेगी। लमसम 3 घंटे हो गए हैं खड़े खड़े, तो 3 घंटे बाद गाड़ी सर्विस होने, ये खड़ी हुई है 3 घंटे बाद गाड़ी सर्विस होने आई है। अब बोनेट वगैरह देखो खोल ही दिया है, स्टार्ट हो गई है सर्विसिंग, देखते हैं क्या क्या सर्विस हो रही है। पूछते हैं भाई से अपने कितना क्या खर्चा आएगा इसके एंड में, सर्विस में क्या क्या पार्ट चेंज होंगे, सारी एक एक छोटी छोटी चीज़ भी मैं कवर करूँगा, तो वीडियो को पूरा देखना आप। तो यार फिलहाल भाई अपने इंजन को साफ कर रहे हैं, वो हवा मार के जो होता है ना उससे पूरी धूल वगैरह हटा रहे हैं, काफ़ी गंदा हो चुका है इंजन। उसके बाद एयर फिल्टर और ऑयल फिल्टर जो भी चेंज करना है वो सारी चीज़ें चेंज होंगी। ये है इस गाड़ी का नया वाला एयर फिल्टर और वो पीछे रखा है ऑयल फिल्टर। एसी फिल्टर वगैरह मुझे कुछ नहीं दिख रहा है और ना ही गाड़ी का इंजन ऑयल दिख रहा है, पता नहीं कहाँ। फिलहाल भाई अपने उसके एयर फिल्टर को कवर को खोल रहे हैं, उसके बाद एयर फिल्टर चेंज हो जाएगा। तो यार अपना एयर फिल्टर का वो खुल चुका है कवर, और ये रहा इस गाड़ी का एयर फिल्टर, बहुत बुरी कंडीशन में भाई साहब। देखो तो पीछे एकदम काला सा पड़ गया है, ये देखो छूने का भी मन नहीं हो रहा मेरा तो इसको, देखो पूरा काला पड़ चुका है। तो ये तो गया, अब इसमें नया वाला ही डलेगा। उससे पहले शायद इसको क्लीन कर रहे हैं, हवा वगैरह से इसको क्लीन करेंगे उस। तो यार ये अपनी गाड़ी को हल्का सा लिफ्ट करा जा रहा है, एयर फिल्टर तो पूरी तरह से चेंज कर दिया गया, बारी आ गई है ऑयल फिल्टर को चेंज करने की। तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि इसमें ऑयल फिल्टर कैसे कहाँ पे रहता है इस कार में, और चेंज होता है कितना, और इंजन ऑयल निकलता है इसमें कितना डलता है, सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा, आप वीडियो में आगे बने रहो। तो अब चलो आपको दिखाता हूँ कि इस कार में ऑयल फिल्टर कहाँ पे होता है वो देखिए। और ये ऑयल फिल्टर खोल लिया है भाई ने, अब इसमें नया वाला ऑयल फिल्टर डाला जाएगा, ये पुराना ऑयल फिल्टर फेंक दिया गया। तो यार अब अपना ऑयल फिल्टर चेंज हो चुका है, और अब गाड़ी को लिफ्ट करा जा रहा है, क्योंकि इसका इंजन ऑयल चेंज करना है इसलिए गाड़ी को लिफ्ट करा जा रहा है। तो यार भाई अब इस गाड़ी का इंजन ऑयल निकालने जा रहे हैं, वो खोल वगैरह था कि इसका इंजन ऑयल निकाला जाएगा। तकरीबन 3-3.5 लीटर तक इसमें इंजन ऑयल निकलता है, मैंने पूछा है। तो ये देखिए स्टार्ट हो गया निकलना, ये बाल्टी लगा दी, अब निकल जाएगा सारा इंजन ऑयल इसका, तो नया वाला डालेंगे। तो यार इंजन ऑयल इस गाड़ी का निकाल लिया गया पुराना वाला, और नया वाला इंजन ऑयल ले आए हैं, और इस तरह की एक कैन में लेके आए हैं, मतलब खुला इंजन ऑयल जनरली डिब्बे में डाला जाता है, पर ये लोग खुला लेके आए हैं, मुझे पता नहीं ऐसा क्यों, अभी मैं पूछूंगा इनसे कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। लगभग 3.5 लीटर इंजन ऑयल इसमें डाला जाएगा। वैसे वाला ऑयल नहीं डालते हो क्या आप लोग, डिब्बे वाला? पूरा ड्रम? कितने लीटर पड़ता है इसमें? ये ब्रेक चेक कर रहे हो क्या भैया? अच्छा। तो यार ये अपने ब्रेक शूज हैं, आगे वाले ब्रेक शू हैं गाड़ी के, अब पता नहीं कि कंडीशन क्या है, चेंज होंगे कि नहीं होंगे तो अभी भैया ही बताएंगे, अभी देखेंगे इनको। ओ भैया मैं नहीं। तो यार मैं सर्विस सेंटर में घूम रहा था, तो मुझे सफारी देखने के लिए मिली, ये बहुत पुरानी सफारी है, फर्स्ट जनरेशन वाली है, 2004 से पहले आया करती थी। और जो आज सफारी अपने आप में एक ब्रांड बन गया है ना, उसकी शुरुआत इसी गाड़ी ने करी थी, बहुत लेजेंडरी कार है। तो यार अपनी कार की सर्विस कंप्लीट हो गई है, ब्रेक शू नहीं चेंज हुए हैं, वो 4-5 हज़ार किलोमीटर अभी और चलने थे। तो अब अपनी गाड़ी उधर, वो देखो व्हाइट कलर की वो जा रही है, इसमें एक सीएनजी वॉल्व से आवाज़ आती है, तो मुझे वो दिखवानी थी, तो उसके लिए जा रही है, और प्लस अलाइनमेंट भी होगी, ये दोनों काम होगा, तो उसके लिए अब अपनी गाड़ी वहाँ पे जा रही है, और नॉर्मल सर्विस जनरल सर्विस कंप्लीट हो चुकी है। तो यार अभी हमने टेक्नीशियन को बुलवाया था सीएनजी वाली दिक्कत सही करवाने के लिए, पर वो सही करने के लिए राजी ही नहीं है, कह रहे हैं इतनी आवाज़ करती है, इनफैक्ट गाड़ी देखने के लिए भी नहीं राजी है। तो उसमें मैं क्या करूँ यार, मूड पूरा ऑफ हो गया मेरा, अब इतनी तेज़ आवाज़ करती है सीएनजी, मैं आपको क्लिप लगा दूंगा सीएनजी फिलिंग में, प्लस वो बंदा जो है कार को देखने तक के लिए राजी नहीं है, हैरियर में बैठा हुआ है, उतरने को राजी नहीं है, तो छोड़ो यार हटाओ। यार अपने टियागो आई सीएनजी की हालत देखो यार, टाटा की कार लेकर के बहुत बड़ी गलती कर दी है मैंने, पूरा मूड ऑफ हो गया, थर्ड सर्विस में गाड़ी की ये हालत कर दी गई है, देख रहे हो आप, पूरा डैशबोर्ड वगैरह सब कुछ खोल दिया गया है अपनी कार का, सारे दरवाजे भी उतार दिए गए हैं, थर्ड सर्विस में ये हालत है, सिर्फ एक छोटे से फॉल्ट की वजह से पूरा मूड ऑफ हो गया यार टाटा की गाड़ी लेकर के। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, ऐसा कार का ऑनर बोल रहा होगा जिसकी ये गाड़ी है ये टियागो आई सीएनजी ही, लेकिन यार 2-3 महीने पुरानी कार है, थर्ड सर्विस पर आई है, लेकिन इसमें एक फॉल्ट आ गया, उसके लिए देखो पूरी गाड़ी की क्या हालत हो गई है, पूरा डैशबोर्ड उतार दिया गया है, दोनों दरवाजे उतार दिए गए हैं ड्राइवर और को ड्राइवर वाले, किसी कार के लिए यार थर्ड सर्विस पे इतना ज़्यादा काम होना अच्छी बात नहीं है। तो यार अब अपनी कार अलाइनमेंट व्हील अलाइनमेंट के लिए जा रही है, लगभग 5 बज गए और 12 बजे से हम लोग यहाँ पे आए हैं, 5 घंटे हो गए हैं,
और अब जाकर के इसका अलाइनमेंट होने जा रहा है। वो भी अभी मैंने गुस्से में कह दिया था कि मेरी कार वापस कर दो, मैं कुछ नहीं कराऊंगा, मुझे घर जाना है, तब ये लोग अलाइनमेंट में लगवाओ, नहीं तो 6 बजे लगती मेरी गाड़ी। तो यार काम यहाँ का काफी स्लो है। टाटा मोटर्स प्रयागराज के सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ, बाकी का मुझे नहीं। भाई शाम के 6:10 हो गए और अब अपनी गाड़ी को वॉश करके पहुंचा जा रहा है। बिलिंग वगैरह मैंने सब कुछ करवा लिया, बस ये जल्दी से गाड़ी पहुंच के दें और मैं निकलूं। भाई अब इतना थक चुका हूं ना मैं सुबह 12 बजे से यहां पे खड़े खड़े कि अब बस मुझे घर जाना है। तो यार अपनी सर्विस कंप्लीट हो चुकी है टियागो की और अब हम सर्विस सेंटर से, ये देखो हटना दोस्त पीछे, ये देखो टाटा मोटर सर्विस सेंटर से लोग बाहर आ चुके हैं। और अब कितना खर्चा आया, कितना बिल आया, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। अभी घर पहुंच के सारी चीजें मैं बताता हूं। तो यार आज अपना दूसरा दिन है, कल सर्विस करवा के हम लोग आ गए थे लेकिन रात बहुत हो गई थी तो मैं वीडियो शूट नहीं कर पाया। आपने देखा ये पूरा 6:30 बज गए थे, थकान भी बहुत ज़्यादा लग गई थी तो इसलिए मैंने शूट नहीं किया। आज मैं बताऊंगा मतलब कि क्या खर्चा आया था इसकी सर्विस में, तीसरी सर्विस में हाथ में मेरे बिल है और एक्सपीरियंस कैसा था मेरा। तो पहले मैं एक्सपीरियंस के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। देखो यार टू बी ऑनेस्ट एक्सपीरियंस इतना अच्छा नहीं था जितना मेरी पहले की दो सर्विस में था। क्यों नहीं अच्छा था वो तो आपने वीडियो में देखा ही है। टाटा के कई सारे एम्प्लॉयज़ बड़ा रूडली बात कर रहे थे, मैं सबको तो नहीं कहूँगा लेकिन कुछ एम्प्लॉयज़ काफ़ी रूडली बात कर रहे थे, लेकिन चलो ठीक है जो था वो था, अब क्या करा जा सकता है, छोटी छोटी कमियों के लिए वो लोग सुन भी नहीं रहे थे। तो एक्सपीरियंस मेरा अच्छा नहीं था पहले के मुकाबले। अब बात आ जाती है इसके बिल की, तो इसकी तीसरी सर्विस का बिल आया हुआ था 4,300 रुपये। ये आप देख लो, मैं अभी वीडियो में लगा दूंगा इसको, आप स्क्रीन को पॉज करके देख लेना पूरा, 4,300 रुपये पॉज करके देख लेना कितना क्या खर्चा है। तो यही थी इसकी तीसरी सर्विस, तो कुल मिला के यही था हमने, तो थर्ड सर्विस 4,300 रुपये में हो गई है। ठीक थी, बहुत अच्छा तो एक्सपीरियंस नहीं था लेकिन क्या कर सकते हैं, अब जो है वो है। तो चलो इस वीडियो को यहीं पे अब ख़त्म करते हैं,